ने अपराधी से कहा तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ, तो उस अपराधी ने कहा सर इच्छा विच्छा और कुछ नहीं है, बस मेरी जगह आप लटक जाओ। ये कॉन्फिडेंस है। जूते चप्पल लेकर के लोग बैठे हुए हैं, मैं इनको प्रणाम करना चाहता हूं क्योंकि ये परिणाम साथ लेके बैठे हुए। मेरी बात में बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मस्ती से सुनना, तमाम लोगों को मजा आएगा, हंसी आएगी, और नहीं आए तो मुंह पे थूक देना पड़ोसी के। कुछ लोग पड़ोसियों को देखने भी लग गए। बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। ये फोटो वाले ये दैनिक जागरण के राजू भाई चश्मा पहन रखा है, अभी मेरे पास में आए पीछे, बोले यार जानी भाई एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोले यार ये चश्मा लगाता हूँ तो लड़कियां देखती नहीं है। तो मैंने कहा एक काम करो चश्मा हटा दो, बोले फिर दिखती नहीं। आदमी की टेंशन चारों तरफ, टंके ताली बजा दोनों हाथ खड़े करके तो मेरे को लगे कि हस्ती में। हाँ, और इधर के लोग जो खड़े हैं उनसे निवेदन है कि जब कुर्सियां रखी हुई है तो क्यों खड़े हो, ज्यादा देर खड़े रहोगे तो पैर भारी हो जाएंगे, और देश में पुरुषों के पैर भारी होना कोई अच्छी बात का संकेत नहीं है। भगवान ने देखने के लिए आंखें और चलने के लिए पैर दिया, तो बैठने के लिए कुछ न कुछ दिए ही है। तंगी जगह देख रहे ठीक है, ये कार्यक्रम अभी आधे घंटे और चलेगा, ये जरूरी है। ये क्या स्थितियां लगी रहती है? मस्ती का आदमी हूँ मैं, ऐसी कोई बात करता नहीं जिससे दिमाग पर लोड पड़ा। अब पिछले दिनों की बात है, मेरे पास नौकरी नहीं थी, परेशान हो गया, तो अमित जी से भाई साहब से मेरे बहुत अच्छे कनेक्शन है, डीसी साहब से, तो मैंने डीसी साहब को कहा, मैंने कहा सर किसी सर्विस का जुगाड़ करवाओ। तो इन्होंने क्या किया कि रांची में मेरे को एक मुर्गी खाने में नौकरी दिलाई। है क्या सही कह रहा हूँ? अच्छा, मेरे किस्मत इतने फूटे हुए कि वहां पर नौकरी ज्वाइन करते ही मुर्गियों ने अंडे देने बंद कर दिए। तो दूसरे दिन मैंने सारी मुर्गियों की क्लास ली और मैंने कहा अगर कल से सबने दो दो अंडे नहीं दिए तो गोली से उड़ा दूंगा। दूसरे दिन देखा सबने दो दो दिए, एक ने एक ही दिए, तो मैं उसके पास चला गया बंदूक लेके। जाके मैंने उसको कहा, मैंने कहा क्यों बे, मेरी बात नहीं सुनी थी? मैंने नहीं कहा था दो दो अंडे नहीं दिए तो गोली से उड़ा दूंगा? तो उसने कहा, बोले सर आपके और आपके डीसी साहब की धमकी के कारण दे दिए जो ये अच्छा है, वरना मैं तो मुर्गा हूं। ये कॉन्फिडेंस है, सिस्टम ऐसा हो गया। अपन बहुत बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं, बैद्यनाथ महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, हिंदुस्तान त्योहारों का देश है, यहाँ पर अपन अलग अलग त्योहार मनाते हैं। विदेशों में ऐसा कुछ नहीं होता। अभी 14 जनवरी मकर संक्रांति, उस दिन सारे आप तो जानते हो, सारे लड़के लड़कियां छत पे खड़े हो जाते और पतंगे उड़ाते। अच्छा, पतंगे उड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं पेट लड़ ही जाते। और जस्ट एक महीने बाद वैलेंटाइन डे, यानी कुंवरों की आखा तीज। उस दिन क्या करते हैं सब लोग? एक दूसरे को फूल देके प्रेम प्यार का इजहार करते हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ, वहां पर वैलेंटाइन डे वाले दिन गुलाब के फूल की रेट हो जाती है 150 रुपए। अभी की बात है 3-4 दिन पहले की, मार्केट में गया 170 चल रही। मैंने कहा इतना महंगा कौन खरीदे? अपन ने अपनी केसेस के अनुसार 5 रुपए में प्लास्टिक का ही खरीद लिया और निकल पड़ा। मैंने कहा टिकाएंगे। घूमते घूमते 4 बजे कोई दिखाई नहीं दिया। 4:30 बजे रेलवे स्टेशन के सामने एक हिंजड़ा खड़ा था, मैंने उसको ही टिकाया। मैंने कहा ले हैप्पी वैलेंटाइन डे। उसने फूल चारों तरफ से देखा और बोला ये तो प्लास्टिक का नकली है। मैंने कहा मजबूरी में दिया रख ले, वरना तू कौन सा असली है। कई बार स्थितियां हो जाती है, कॉन्फिडेंस का आदमी हूं मैं। 8वीं क्लास में जब मैं 3 बार मॉनिटर रहा तो मेरा प्रधानाध्यापक परेशान हो गए। बोले देवता हम पे दया करो, अपने घर की तरफ प्रस्थान करो। और मैं उनके ऊपर दया करके सम्मान अपने घर पे आया। मैं शुरू से कॉन्फिडेंस का आदमी था, डीसी साहब शुरू से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अव्वल था। मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ।